नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो प्रत्येक राशि के अंतिम पड़ाव में मैं भविष्यवाणी के साथ उपाय भी बताते चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी राशि फल जो होता है या ग्रहों का जो फल होता है ये ग्रहों के गोचर के परिवर्तन पे होता है। साप्ताहिक राशि फल बनाने का बेसिक रीजन ये होता है कि यह चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है। चंद्रमा हमारे मन का मालिक है और चंद्रमा जैसे जैसे अपनी राशि को परिवर्तित करता है हमारे मन में वह असर डालता है। मेरा मन या आपका मन या सभी लोगों का मन जो बोलेगा इंसान उसी प्रकार का कर्म करता है और वही कर्म आने वाले इंसान के भाग्य को तय करता है। तो अगर यह सप्ताह चंद्रमा की गोचर की मैं बात करूं तो चंद्रमा 30 जनवरी और 31 जनवरी को वृषभ राशि में मंगल के साथ रहेंगे। मंगल और चंद्रमा की युति को शुभ माना जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मित्रवत संबंध रखते हैं। 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अतः इस समय चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, लेकिन अगर अपने मन पे नियंत्रण रखते हैं तो भी चंद्रमा का फल शुभ मिलेगा क्योंकि ये शत्रुगत राशि में विराजमान रहेंगे। 4 और 5 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जो इनकी स्वयं की राशि होती है और इनके ऊपर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण बनेगा गज केसरी योग और फिर कुछ दिनों और इसके बाद फिर गुरु की दृष्टि के अलावा सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। अतः दो दो मित्र ग्रहों का दृष्टि पड़ना, एक गज केसरी योग बनना और चंद्रमा का स्व राशि विराजमान होना बहुत ही लाभकारी रहेगा। यानी एक चीज तो परफेक्ट पता चल रहा है कि यह साप्ताहिक राशि फल लाजवाब होने वाला है। अगर बड़े ग्रहों की गोचर करूं की बात करूं तो 3 फरवरी को शनि अस्तगत होंगे, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूं कि प्रत्येक राशि के अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में साप्ताहिक राशि फल का हाल। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करो तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को चंद्रमा उच्च का द्वितीय भाव पे विराजमान रहेंगे, जो चारों तरफ से धन के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। रुके हुए काम आपके प्रारंभ होंगे, नौकरी व्यवसाय को लेकर के बड़े परिवर्तन का बेहतर ऑप्शन मिलेगा, पिता से परफेक्ट सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कुछ कर्ज की समाप्ति की ओर भी आप जाएंगे। परिवार के कुछ लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे, मानना प्रारंभ कर देंगे। विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे और साथ में जो है अपनी वाणी के दम पे आप लोगों के मध्य में एक अच्छा रास्ता बना पाएंगे, एक अच्छा स्थान बना पाएंगे। इसके अलावा 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे विराजमान रहेगा, जो आपको पराक्रमी बनाएगा। पारिवारिक परफेक्ट सहयोग मिलने वाला रहेगा। परिवार के द्वारा यानी भाई या रिश्तेदारों के पास जो आपने कर्ज की स्थितियां लगा रखी थी, कर्ज की समाप्ति के रास्ते खुलने वाले रहेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। तृतीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां, इसमें सुखों की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ मिलेगा। प्रमोशन पदोन्नति के अलावा पिता से परफेक्ट लाभ के योग दिखने प्रारंभ हो जाएंगे और बड़े भाई बहनों के द्वारा भी थोड़ी धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा 4 और 5 फरवरी को आपका स्व राशि का और गज केसरी योग का चंद्रमा भूमि मकान वाहन का लाभ देने की योग स्थिति में रहेगा। माता पिता से बेहतर तालमेल होंगे, सामाजिक कृत्य बढ़ेगी, सोचा हुआ कार्य आपके पूर्ण होंगे, उच्च शिक्षा का लाभ है। इसके अलावा जो है पुराने कोई केस मुकदमा से राहत मिलने वाला रहेगा और कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद यानी केस मुकदमा में विजय भी प्राप्त होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि आपके सीनियर अधिकारी
आपके घर के आसपास या जहां आप चाहते थे प्रमोशन या पदोन्नति डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा। और परिवार के साथ या जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व नारियल अवश्य खाइए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी लाभकारी पोजीशन पे रहेगा। अतः सप्ताह के शुरुआत में आपके सोचे हुए सारे कार्य पूर्ण होंगे। जीवन के कुछ बड़े फैसले जो आप नहीं ले पा रहे थे वह लेने वाले अवश्य रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में पिता के द्वारा कुछ सहयोग मिलेगा। खानदानी कुछ प्रॉपर्टी का जो विवाद था वह आपके फेवर में आने वाला रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं परेशानियां हो सकती हैं। साझा व्यापार में दिक्कत हो सकता है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, बच कर रहने की आवश्यकता रहेगी। 1 से लेकर के 3 फरवरी के मध्य की अगर मैं बात करूं, 1 से 3 फरवरी के मध्य में पारिवारिक तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में संपर्क स्थापित होंगे। आपके संतान के सुखों की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में भी सुधार की होने की स्थितियां बनेंगी। ससुराल पक्ष से भी तालमेल के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे और लव लाइफ की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। पैसे कहीं फंसे हुए थे अचानक आएंगे, यानी पैसे की किल्लत से आप बचेंगे। 4 और 5 फरवरी को गज केसरी योग का चंद्रमा और स्व राशि का चंद्रमा जो है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का क्लेश या मतभेद जो चल रहा था जिसमें पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहे थे, इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं थी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की के बेहतर रास्ते खुलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ होता हुआ दिखेगा। हालांकि गले के रोग, सर्दी खांसी से थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ है। प्रमोशन हेतु कहीं विदेश यात्रा की योग बन सकते हैं। पारिवारिक सपोर्ट भी मिलने के कारण आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीनियर अधिकारियों से बेहतर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। भूमि मकान वाहन और माता से लाभ की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का दीप जलाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को जो है आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले ले पाएंगे। साथ में कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलेंगे। विदेश यात्रा हेतु पासपोर्ट या वीजा रिन्यूअल या किसी प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है प्रथम संतान के भविष्य को लेकर या उसके शिक्षा को लेकर या उसको विदेश भेजना चाहते हैं इसको लेकर के जो परेशानियां थी इसमें लाभ की संभावनाएं बनती हुई डेफिनेटली आपको दिख जाएंगी। और मोटे कर्ज की समाप्ति भी आप करते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में यह देखते हुए मिलेगा कि इस समय जो है आप अपने जीवन के वह भी निर्णय लेंगे जो नहीं ले पाते थे और नौकरी व्यवसाय में बदलाव के ऑप्शन भी बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। नौकरी व्यवसाय में या खानदानी प्रॉपर्टी का कोई केस मुकदमा चल रहा था तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी की बात अगर मैं करूं तो इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। जीवन साथी से परफेक्ट सपोर्ट आपको मिलने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, साझा व्यापार में भी लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। हालांकि कुछ खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ा वाद विवाद या तनाव की स्थितियां दिखते हुए बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को बन सकता है और साथ में सबसे आपके बड़े संतान से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। इसके अलावा द्वितीय संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। 4 और 5 फरवरी को अचानक मोटा धन का लाभ होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हालांकि विवाह के रिश्ते 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में भी आएंगे, 4 और 5 फरवरी को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी व्यवसाय में बहुत बेहतर परिवर्तन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कई सालों से किया हुआ नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हुए दिखेंगे। हालांकि ये मार्केश कारक समय रहेगा तो हल्का फुल्का चोट चपाट या सर्दी खांसी को लेकर परेशानियां हो सकती है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा।
वाणी में जो कड़वाहट या चिड़चिड़ापन जो था, मधुरता से अपने काम आप दूसरों के अधीन में रह करके परफेक्ट तरीके से निकालते हुए प्रतीत होने वाले रहेंगे। और इसके अलावा जो है आपको वाहन या संपत्ति लेना है तो उससे रिलेटेड धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले, कपूर की आरती भगवान शिव के पास प्रत्येक दिन आपको आरती दिखा करके घर से निकलना है। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की शुरुआत करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के साथ होता हुआ दिखेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेहतर लाभ दिखता हुआ बनेगा। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल में बेहतर सुधार होते हुए दिखेंगे। व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें निश्चित तौर पे लाभ के योग बनते हुए दिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी रहेगा कर्क राशि वाले कि आप अपने जीवन में जो है कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद होकर के पैसे आने के योग बनते हैं। हालांकि दो तीन नुकसान भी यहाँ पे दिखता है, जैसा कि प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां रहेंगी, जैसे कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में सोच समझ करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको इस मामले में तो बच करके रहना पड़ेगा। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के मध्य में मानसिक शांति मिलेगा, जो सम्मान खोया हुआ था वह मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। व्यापार में तरक्की, नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन और पार्टनरशिपिंग का भी कार्य क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा और किसी प्रकार के आरोप या प्रत्यारोप में फंसे हैं तो उससे भी आप निकल जाएंगे। जो नेगेटिविटी और मन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो था इसमें कमियां देखने को तो निश्चित तौर पे मिलेंगे और पिता से भी तालमेल अच्छे होते हुए प्रतीत होंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन दूध जो है शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को जो है नए नए व्यापार के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। इस समय मेंटल पीस भी आपके जीवन में मिलेगा। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी डिस्टर्बेंस और माँ से थोड़े मतभेद के योग बन सकते हैं। इसके अलावा जो है जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के आगे बढ़ना है यह समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो है किसी कारण से अगर मैं बात करूं कि आपके प्रथम संतान को लेकर किसी कारण से थोड़े से मतभेद या अस्थिरताएं चल रही थी तो उससे सुधार होगा और प्रथम संतान से लाभ की भी प्राप्ति होती हुई डेफिनेटली दिखेगी। जीवन साथी के कर्म क्षेत्रों में तो लाभ बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लव लाइफ में बेहतर सुधार होता हुआ भी दिखेगा और किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, परिवार के लोग नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य की बात अगर मैं करूं तो 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में जो है सिंह राशि वाले चारों तरफ से आय के स्रोत आपके जीवन में बढ़ेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, लेकिन द्वितीय संतान से किसी कारण से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। प्रेम से विवाह करना चाहते हैं, घर के कोई बड़े नहीं मान रहे थे तो निश्चित तौर पर मान जाएंगे। इसके अलावा जो है जीवन साथी के साथ या परिवार के किसी लोग के साथ या मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने की बेहतर योग इस समय बनते हुए दिखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि अचानक से संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। 4 और 5 तारीख को जो है मोटे आय के स्रोत बनते हुए दिखेंगे। कर्ज की मुक्ति भी आप करने वाले रहेंगे। मन में नेगेटिविटी, डिस्टर्बेंस या फिर हताश हो रहे हैं तो यह कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बनता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। आपको वाहन या प्रॉपर्टी या कोई भी गैजेट्स परचेज करना है तो उससे तो लाभ की संभावनाएं बनेंगे ही बनेंगे और माता भी आपको सपोर्ट करने वाली रहेंगी। इसके अलावा जो है कुछ रिश्तेदारों या मित्रों के पास आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकलता हुआ प्रतीत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मोटे कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। विदेश जाना है, बहुत ही बेहतर योग है जिसके कारण सीनियर अधिकारियों से बेहतर सपोर्ट बनता हुआ दिखता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व मिश्री का सेवन अवश्य कीजिएगा।
कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो देखिए सप्ताह का शुरुआत 30 जनवरी और 31 जनवरी को बहुत ही लाजवाब होगा। प्रमोशन पदोन्नति के बहुत बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, पिता से लाभ मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से लाभ मिलेगा, सरकारी काम काज का लाभ मिलेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के अलावा कुछ रिश्तेदारों से मतभेद भी हो सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रथम संतान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, द्वितीय संतान का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, द्वितीय संतान का रिजल्ट वगैरह आपके लिए लाभकारी पोजिशन पर रहने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में अगर आपको विदेश जाना है लेकिन आपके सीनियर अधिकारी ऑथराइज नहीं कर रहे थे तो उससे लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी, कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं, मानसिक शांति मिलता हुआ प्रतीत होगा और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी मिलेगा। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य का समय जिनको लगता था कि नौकरी नहीं होगी, व्यवसाय नहीं होगी, शांत हो जाइए, नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। इस समय भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है, मास से पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा, खानदानी संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ सामाजिक लोग या प्रशासनिक लोग एक पद पर नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे या आपको परेशान कर रहे थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा 4 और 5 फरवरी को चारों तरफ से लाभ के योग है, इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा, विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते दिखेंगे, किसी से आपका लव लाइफ चल रहा था या फिर अच्छे फ्रेंड थे और उनसे आपको प्रेम स्थापित होकर के विवाह के योग बनते हुए दिखेंगे। आप किसी को पसंद करते हैं, अप्रोच करना चाहते थे या प्रपोज करना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ भी बनता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों के अलावा सभी से तालमेल अच्छे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि इस समय आपके आत्मविश्वास बढ़ते हुए दिखेंगे और खानदानी संपत्ति के आप पहल करेंगे और आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ इस समय है कि ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा जो है माता के द्वारा धन की प्राप्ति दिखता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कन्या राशि वाले? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुलाब फूल की अगरबत्ती माता दुर्गा के समक्ष अवश्य जला करके जाइए। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा में करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी ईश्वर की कृपा से बहुत ही शुभ होने वाला है। इस समय मेंटल पीस मिलेगा, जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, पुराने लव लाइफ जो खराब हो चुके थे उसमें सुधार होगा, लेकिन अब किसी रिश्ते से हटना चाहते थे तो हट भी जाएंगे। हालांकि पति पत्नी के मध्य में थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, जबकि भूमि मकान वाहन हेतु धन की प्राप्ति हो सकती है। बहुत पुराने कोई केस मुकदमाओं का तो बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ कर्जों की भी समाप्ति आप करेंगे। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में प्रमोशन पदोन्नति संसार का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में पिता का भी सपोर्ट है, सीनियर अधिकारियों का भी सपोर्ट है और प्रमोशन भी है। इस समय पारिवारिक दायित्व तो आप निभाएंगे, छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगे, लेकिन प्रथम संतान से थोड़े से किसी कारण से वैचारिक मतभेद हो सकता है तो इसमें आपको थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय लॉटरी सट्टा का लाभ तो मिलेगा, परफेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन कुछ तो जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे लाभकारी यही है कि इस समय जो है आपकी शिक्षा जो अधूरी छूटी पड़ी हुई थी वह ठीक हो जाएगी और किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह में आप पास हो जाएंगे। इसके अलावा 4 और 5 फरवरी को तुला राशि वाले, नए नौकरी व्यवसाय के लिए आप तैयार हो जाइए, विदेश जाने के लिए आप तैयार हो जाइए, भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी इसमें सुधार होगा और छोटे संतान का तरक्की भी खुलता हुआ बनता हुआ दिखता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन अवश्य कीजिए, उसमें थोड़ा मिश्री डालेंगे तो प्रभाव बहुत ज्यादा बेहतर मिलता हुआ बनेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं यानी 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के मध्य में, तो सप्ताह का शुरुआत 30 जनवरी और 31 जनवरी को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे,
व्यापार चल पड़ेगा, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के बेहतर ऑप्शन दिखते हुए मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पार्टनरशिपिंग से तालमेल ठीक हो जाएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन साथी कहीं आपसे दूर चली गई थी क्रोधवश तो आपके साथ में रहेंगी, या हस्बैंड चला गया तो साथ में रहेगा, यानी एक दूसरे के प्रति निश्चित तौर पे फीलिंग अच्छी आएगी और हो सकता है कि विवाह के भी बहुत अच्छे अच्छे योग बने। इसके अलावा जो है प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां थी दूर होगा, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन कुछ लोग आपको मानसिक तनाव देंगे, कुछ लोग बदनामी करेंगे, या किसी कारण से पिता को कष्ट हो सकता है, तो इस मामले में आपको ध्यान देने की आवश्यकता तो रहेगी वृश्चिक राशि वाले। अगर मैं बात करूं 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी के मध्य में, इस समय वृश्चिक राशि वाले थोड़े से पेट और पैरों में कष्ट दिखता हुआ बनता है। इस समय किसी कारण से सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया पिता का स्वास्थ्य खराब के अलावा किसी प्रकार का केस मुकदमा या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या ससुराल पक्ष से मतभेद बन सकता है, ध्यान देना रहेगा। हालांकि घर के बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत बना करके रखना पड़ेगा, यानी इनकेस किसी प्रकार की अस्थिरताएं आती हैं तो अपने आप को संभालना आपको खुद नहीं पड़ना है। 4 और 5 फरवरी को प्रमोशन पदोन्नति हो जाएगा, जो सीनियर अधिकारी आपको वैल्यू नहीं करते थे हो सकता आप उनके पद पे चले जाएं, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी, प्रथम संतान की तरक्की के अवसर खुल जाएंगे, संतान के विवाह को लेकर के जो परेशानियां चल रही हैं इसमें लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय जो आपके जीवन में रहने वाला है, इस समय छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से और सरकार के लोगों से बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। इस समय आप जो है व्यापार हेतु किसी मित्रों का सपोर्ट ले सकते हैं, जो नहीं लेना है आपको आएगा सपोर्ट, और इस समय कर्ज की मुक्ति भी करेंगे, कोई संपत्ति बिकना नहीं बिक रहा था वह बिक जाएगा, जिसमें पिता का सपोर्ट नहीं मिलता था वह मिल जाएगा, और मानसिक शांति के अलावा कहीं घूमने भी जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में लाल चंदन मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, प्रत्येक दिन लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करना चाहूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है 6th हाउस में रहेंगे। धनु राशि वाले, 6th भाव का उच्च का चंद्रमा आपके जीवन में कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। प्रथम संतान से जो मतभेदता थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी, प्रथम संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस समय जो है पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा, माता का सहयोग प्रॉपर मिलेगा, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से तालमेल तो ठीक होता हुआ बनेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के कारण थोड़े धन का व्यय अवश्य हो सकता है। आपके परिवार के ही कुछ शत्रु थोड़ा आपको परेशान करते थे उसमें सुधार होगा, लेकिन विदेश जाने में दिक्कत आ सकती है, और इसके अलावा जो है थोड़ा सा अचानक मोटा खर्च आपको परेशान कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करेंगे तो बेहतर रहेगा। 1 फरवरी से 3 फरवरी की बात अगर करूं धनु राशि वाले, तो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग आएंगे, द्वितीय संतान का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहेगा, लेकिन प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ और बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, जो सम्मान चला गया था सम्मान आपको वापस मिलेगा, और चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल या पेट की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर आप एक दूसरे के प्रति कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, जुबान पर नियंत्रण रखते हैं तब तो ठीक है, तो नहीं तो फिर मतभेद बढ़ सकता है। अगर मैं बात करूं 4 और 5 फरवरी को, 4 और 5 फरवरी को धनु राशि वाले, एक ऐसा समय जो शायद ही कभी आता है, क्योंकि गज केसरी योग स्वह राशि का चंद्रमा, मेंटल पीस मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, वाणी में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में पेट और पैरों की समस्याएं दूर होंगी। इस समय प्रथम संतान आपका संपत्ति से रिलेटेड परेशान है तो वह हो जाएगा, द्वितीय संतान आप धन से सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है पुराने लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा, नौकरी व्यवसाय के बदलाव के बहुत ही बेहतर ऑप्शन बनते हुए दिखेंगे, और किसी इंटरव्यू एग्जामिनेशन में आपके फेवर में आने वाला रहेगा, और माता से भी धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए धनु राशि वाले? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान विष्णु जी के चरणों में हल्दी जरूर अर्पित कीजिए, मतलब चढ़ाइए, और इसी का तिलक लगा करके भी निकलना है। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को आपके जीवन में उच्च शिक्षा का लाभ है। अचानक मोटा इनकम जरूर खुलेगा, लेकिन लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से। बड़े भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, नहीं करना है, और सीनियर अधिकारियों से आपको बहुत ही कम बोल करके अपने काम निकालने पड़ेंगे। इस समय जो है जिनको संतान सुखों में दिक्कत था, संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सप्तमेश पंचमेश हो जाएंगे, और इसके अलावा जो है आप कि शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी तो वह पूर्ण प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बड़े भाई बहनों से दिक्कत हो सकता है, ईगो में या क्रोध में मोटे इनकम के सोर्स को आप खुद रोक सकते हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आपके मित्रों के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपको जो है जीवन साथी और आपके बीच में मतभेद हो सकता है। कुछ विवाह के रिश्ते अवश्य आएंगे, लेकिन आपको इसके कारण थोड़े मतभेद भी हो सकते हैं। इस समय कर्ज परेशान कर सकता है, धन की हानि हो सकती है, विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं हो सकता है। लेकिन 4 और 5 फरवरी को कहते हैं वक्त सबसे बड़ा होता है, वक्त पलट जाएगा। 4 और 5 फरवरी को प्रथम संतान और द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक डिसीजन को आप सही तरीके से लेंगे, और पार्टनरशिपिंग में आपके तालमेल ठीक होंगे, लेकिन कुछ डिसीजन जो आप पार्टनरशिपिंग में नहीं ले पाते थे, यह लेना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, आप अपने जीवन में इस समय जो है किसी कारण से नौकरी चली गई थी, या नौकरी छोड़ के व्यवसाय में जाना था, या नौकरी में परिवर्तन करना था, उससे रिलेटेड बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा। माता के द्वारा धन की प्राप्ति या भूमि मकान वाहन का लाभ बनता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान की तरक्की को लेकर जो परेशानियां थी वह तो दूर होंगे ही होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मोटे कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मकर राशि वाले आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल अवश्य अर्पित करें। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को चंद्रमा द्वितीय स्थान पर रहेंगे। कुंभ राशि वाले, 30 जनवरी और 31 जनवरी को चंद्रमा आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंस देगा, माता से सुखों में वृद्धि करेगा, और हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भूमि मकान वाहन या गैजेट्स परचेज कर सकते हैं। हालांकि इस समय किसी कारण से थोड़े से पिता से मतभेद बनते हुए दिखेंगे, किस पिता से किसी कारण से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है, या पिता की कुछ बातें आपको थोड़ा सा डैमेज या फिर जो है नेगेटिविटी की ओर लेकर के जा सकती है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, और जहां भी धन का व्यय होगा लाभकारी होगा। हालांकि खानदानी प्रॉपर्टी से मोटे धन की प्राप्ति बनती हुई अवश्य दिखेगी, प्रथम संतान से जो कुछ मतभेद था उसमें कमियां तो दिखेगा, लेकिन फिर से प्रथम संतान को लेकर के आपके विवाद भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करना चाहूं, आपके जीवन में द्वितीय संतान की स्थिति में बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। हालांकि प्रमोशन के योग बनते हुए दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। आप अपने पिता से मतभेद ना करें, अपने से बड़े लोगों से मतभेद ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, सीनियर अधिकारियों से मतभेद ना करें, नए नौकरी व्यवसाय में किसी से मतभेद ना करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मेंटल पीस खराब कर देगा लोग मिलकर के आपका। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में जो है लव लाइफ में थोड़ा सा खटपट या वैचारिक मतभेद हो सकता है। प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में आप स्वयं बोल करके अपने हक को दूसरे के समक्ष बतलाने वाले रहेंगे, लेकिन इस समय पिता से भी वैचारिक मतभेद के योग बनते हुए दिखते हैं। हालांकि बड़े भाई बहनों से भी किसी बात को लेकर मतभेदता की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आपको इस समय थोड़ी सी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और प्रथम संतान से भी किसी कारण से बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि छोटे भाई बहनों से तालमेल तो ठीक रहेगा,
लेकिन थोड़ा सा सावधान आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। जबकि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, संतान सुखों का लाभ अवश्य मिल सकता है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड और लॉटरी सट्टा स्कीम मार्केट का लाभ मिल सकता है, मतलब धन की प्राप्ति तो है कुंभ राशि वाले। 4 और 5 फरवरी को गोल्डन समय में बोल सकता हूं, क्योंकि 4 और 5 फरवरी को जो है इस समय आपको स्वास्थ्य की समस्याएं जो थी ठीक हो जाएंगी। 4 और 5 फरवरी को आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 4 और 5 फरवरी को जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा आपके लव लाइफ में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय आपके परिवार वाले लोग भी आपको सही डिसीजन देंगे, परिवार वाले लोगों से तालमेल अच्छे होंगे, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। यही नहीं, 4 और 5 फरवरी को आप बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन विदेश जाने से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आएंगी और इस समय जो है कहीं ना तो कहीं पुराने प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद आपके फेवर में आने वाला रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पीले चंदन का तिलक प्रत्येक दिन लगाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा और 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में दही का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 जनवरी और 31 जनवरी को आपके कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। रिश्तेदारों से मित्रों से बेहतर लाभ बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी या पिता से मतभेद हो सकता है। इसके अलावा जो है इस समय जो है थोड़ा गलत लोगों के चक्कर में धन की हानि हो सकती है या पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिसके कारण धन की हानि हो सकती है। हालांकि इस समय प्रथम संतान से तालमेल में थोड़ी सी सुधार के योग तो अवश्य दिखेंगे, लेकिन पुनः वैचारिक मतभेदता की स्थितियां बन सकती हैं, तो वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रख ले तो बेहतर रहेगा आपके जीवन में। हाँ, इसके अलावा जो है कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा और हो सकता है कि आप छोटे प्लेसेस में घूमने भी जा सकते हैं, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ बनता हुआ दिखता है। 1 फरवरी से 3 फरवरी के मध्य में खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पिता आपके सपोर्ट में रहेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ गलत चीजें परचेज करके व्यर्थ का धन खर्च आप कर सकते हैं। इस समय मां का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब तो निश्चित तौर पे रहेगा, कुछ सामाजिक या पारिवारिक लोग आपको नीचा गिराने का प्रयास करेंगे, तो आपको इस समय कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। प्रथम संतान से किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेदता हो सकती है, तो आपको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और द्वितीय संतान की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय संतान से तालमेल ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं, इस समय जो है आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को भी प्रारंभ करेंगे और कर्म क्षेत्रों में लाभ के योग दिखते हैं, लेकिन 4 और 5 फरवरी को मीन राशि वाले बहुत ज्यादा मेंटल पीस मिलेगा आपके जीवन में, अपने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को आप बढ़ाने वाले रहेंगे। इस समय संतान सुखों में वृद्धि के अवसर दिखेंगे, प्रथम संतान से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा, प्रेम विवाह के योग बनेंगे, विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे, आप विवाह प्रेम से विवाह के योग में भी अच्छा योग रहेगा। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से तो तालमेल ठीक है, बड़े भाई बहनों से थोड़े मतभेद हो सकता है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जबकि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ बनता हुआ दिखता है। इस समय आप कुछ कर्ज की मुक्ति भी करने वाले रहेंगे और कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जो चला गया था यह ठीक होने की कंडीशन पे रहेगा। इसके अलावा जो है आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को जो है गुड़ अवश्य भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए। प्रिय दर्शकों, 30 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।